बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज एक ऐसी वीडियो वो सोशल मीडिया पर जुमे के बाद से गर्दिश कर रही है कि जिसे देखकर हर मुसलमान का दिल खून के आंसू रो रहा है कि क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि जिसके नाम के साथ ही इस्लामिक लिखा हुआ है कि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। क्या ये वही इस्लामिक मुल्क है कि जिसमें आज एक मस्जिद को ताला लगा दिया गया? ताला लगाने की वजह क्या थी? कि वो वजह ऐसी कि जिसको देखकर हर मुसलमान आज परेशान है कि आज के हुक्मरान वो तो अय्याशियों में डूबे हुए हैं, अय्याशियों में डूबे हैं, उनको फ्री बिजली दी जाती है, जबकि अल्लाह का घर, अल्लाह का घर वो बिल अदा ना कर सकने पर उस मस्जिद को ताला लगा दिया गया। मस्जिद मजबूरन ताला मारना पाया, नमाजी आने गर्मी है, पंखा लगाना पैंदा, एसी लगाना पैंदा है, और मजबूरन सानू मस्जिद नूं ताला लाउणा पै गया है इस हुकूमत दे तंग करदिआं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के ही किसी शहर की, किसी गांव की ये मस्जिद है जिसके कारी साहब वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर ये बता रहे हैं कि मस्जिद का बिल 60,000 रुपए आ गया। नमाजियों ने कोशिश की चंदा इकट्ठा करने की, पैसे इकट्ठे करने की, कि वो पैसे इकट्ठे करें और वो ये बिल अदा कर दें, मगर मुकर्रा तारीख तक वो 60,000 रुपया बिल वो अदा ना किया जा सका। बिजली का बिल अदा नहीं करोगे तो अल्लाह की इबादत भी नहीं कर सकते, बिजली का बिल अदा नहीं करोगे तो अल्लाह के घर भी नहीं आ सकते। अल्लाह के घर आना है तो पहले बिजली का बिल जमा करवाना पड़ेगा, बिजली का बिल जमा करवाएंगे तो फिर ही आप इबादत कर सकेंगे। आज हम पाकिस्तानी मुसलमान आज मुश्किलात में घिरे हुए हैं कि अल्लाह के घरों को भी हमने नहीं बख्शा, हमारे सरकारी इदारे वो बिल पे नहीं करते, उनके सरकारी अफसरान के घरों की बिजलियां भी वो मुफ्त हैं, उनको कितने कितने हज़ार बिजली के यूनिट्स फ्री दिए जाते हैं, और अगर बिजली अगर फ्री नहीं है तो वो सिर्फ अल्लाह के घर की बिजली हम फ्री नहीं कर सकते। यही वजह है कि आज हम मुश्किलात में घिरे हैं, आफतें मुसीबतें हमारे ऊपर पहाड़ बनकर टूटी हुई हैं, हमें अल्लाह ताला की शदीद पकड़ में हैं, अल्लाह ताला के शदीद आज़ाब में है कि हमारा पाकिस्तान दिन ब दिन बजाय तरक्की करते वहां महंगाई, बेरोजगारी और पता नहीं क्या क्या चीजें, वो हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। अगर ये चीजें अभी कंट्रोल ना की गईं, सूद को खत्म ना किया गया जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुल्लम खुला जंग है, अगर इसको ना रोका गया, ये चीजें बंद ना की गई, मसाजिद के साथ, मुसलमानों के साथ, गरीबों के साथ ये रवैया अगर ना सही किया गया तो अनकरीब अल्लाह का अजाब इससे बढ़कर भी आ सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने हुक्मरानों को भी झंझोरें और अपनी बहसियत कौम हम अपने आप को भी ठीक करें कि अल्लाह ताला जैसी कौम वैसे हुक्मरान लेके आता है। हमारी हम मजमूई तौर पर हम आवाम ऐसे बन चुके हैं कि हम पे ऊपर अल्लाह ताला ने ऐसे जालिम हुक्मरान, ऐसे जाबर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें हदायत के रस्ते पर चलना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।